बुरास का फूल खिल चुका है और यहाँ से कुछ नजारा ऐसा है। यहाँ से अकेले आए हो क्या, और भी हैं साथ? परिवार सारे आए। उन दिनों था मंत्र बल उड़ के, जहाँ मतलब प्रकट हो जाते थे, जहाँ आत्मा उनकी मतलब चली जाए। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। पहला, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत आप सभी का एक और नए दिन और एक और नए फ्रेश ब्लॉग में, पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो जी, आज का ब्लॉग होने वाला मंदिर स्पेशल। जी हाँ, जैसे कि आप मेरे टाइटल से जान ही चुके होंगे, आज मैं आप सभी को लेके जाने वाला हूँ दूनागिरी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के दोरहाट ब्लॉक का बहुत ही फेमस मंदिर है। तो चलिए, फटाक से हो जाता हूँ मैं रेडी और मिलता हूँ आपसे रास्ते में। अगर आप कभी देवभूमि उत्तराखंड आए तो रानीखेत से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर बसा दूनागिरी पर्वत जरूर घूमने आए। तो जी, लगभग मैं 4 किलोमीटर आ गया हूँ। जहाँ पे अभी मैं रुका हूँ वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है तल्लीमरे का गांव और हमारा घर सामने। फिलहाल चलते हैं आगे और मिलते हैं आपसे आगे। पहाड़ों में ड्राइविंग की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो यहाँ के घुमावदार और ट्रैफिक फ्री रोड्स, जो आपके सफर में 4 चांद लगा देते हैं। जी, अभी मैं जिस जगह पे पहुँच चुका हूँ उसको बोलते हैं भूमिया का धार, और यहाँ से एक रोड जाती है बगवाली पोखर के लिए, वो सामने आप देख सकते हैं, और इधर से जाती है एक रोड द्वाराहाट, और ये मेरे पीछे जो रोड है ये जाती है कफरा के लिए, और नीचे है गोलू देवता का मंदिर। तो भूमिया का धार मतलब अगर हम किसी टॉप में पहुंचते हैं तो उसको यहाँ पहाड़ी में धार बोला जाता है, और नीचे है भूमि देवता का मंदिर, तो इसलिए इसको भूमिया धार बोला जाता है। तो जी, अभी दोरहाट मार्केट अभी क्रॉस किया हमने। अब दोरहाट से एक रोड जाती है चौखुटिया के लिए और दूसरी रोड जाती है बिंता और दूनागिरी के लिए, तो हमें वहाँ जाना है ऊपर टॉप में, और टॉप में ही ऊपर दूनागिरी का मंदिर है। बिंता 11, डुढोली 5, दूनागिरी मंदिर 9। अभी हमने एक और स्टॉप लिया है और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा है, यहाँ से चारों तरफ चीड़ के जड़े जंगल हैं। मौसम की बात करूँ तो अभी अच्छी धूप निकली हुई है, हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं पीछे की तरफ को आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे दूनागिरी मंदिर पर। तो जी, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने बुरांस का आपको पेड़ दिखाया था, तब उस टाइम में बुरांस के फूल खिले नहीं थे, और अभी आप पीछे मेरे देख सकते हैं बुरांस का फूल खिल चुका है। बहुत ही प्यारा लगता है ये, और ऐसे पूरा यहाँ जंगल अभी इस टाइम में लाल लाल दिखता है। दोराहाट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में बसा है माँ दूनागिरी का मंदिर, जहाँ माँ को उसके वैष्णवी रूप में पूजा जाता है। यहाँ माँ के दर्शन पाना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले 500 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। कुछ रेस्टोरेंट, प्रसाद एवं डेली नीड से संबंधित दुकानें आपको यहाँ पे सड़क से लगी हुई मिल जाएंगी। यहाँ पे दीवार में नेम प्लेटें भी लगाई गई हैं, ये उन लोगों की है जिन लोगों ने यहाँ पे डोनेशन दिया था इन सीढ़ियों के निर्माण कार्य में। आई थिंक ये सारी घंटियाँ मंदिरों में चढ़ी हुई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी, तो बाद में मंदिर अथॉरिटी ने उन सारी घंटियों को पिघलाकर बड़ी बड़ी घंटियाँ बना दी हैं जो कि इन रास्तों पे टगी हुई हैं। जो रास्ते में एक विश्राम गृह बना हुआ है वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फिलहाल अभी आधा रास्ता और तय करना है माँ दूनागिरी के मंदिर तक के लिए। अकेले आए हो क्या, और भी हैं साथ? परिवार सारे आए। सभी आए हो? कहाँ से आए हो?
जो बुजुर्ग आपने देखे थे वो 86 ईयर के थे, इस उम्र में भी ऐसी चढ़ाई चढ़ के मंदिर में माँ के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर में कोविड-19 के चलते हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और सभी श्रद्धालुओं की सामाजिक दूरी की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हमने जूते चप्पल उतार दिए हैं, अब यहाँ से बिना जूतों के आगे मंदिर तक, मंदिर परिसर में इंटर करना है। आप कैमरे की नज़र में हैं, कृपया फूल के पौधों से छेड़छाड़ ना करें। ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं मंदिर परिसर में और सामने टंकी है जिसमें आप हाथ पांव धो के आगे मंदिर परिसर में इंटर कर सकते हैं। मेरे ठीक सामने है पार्वती झूला जो लगभग 50 फीट लंबा है। धूनागिरी मंदिर के रखरखाव का कार्य यहाँ के ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने हेतु आप सुबह से शाम तक कभी भी आ सकते हैं। माता के मंदिर से पूर्व आपको गणेश जी, हनुमान जी और भैरव जी के मंदिर देखने को मिलते हैं। मुख्य मंदिर से पहले बाईं ओर है गोलू देवता का मंदिर और अब हमारे सामने है माँ दूनागिरी का प्राचीन मुख्य मंदिर। दूनागिरी माता का मंदिर बांज, बुरांस, देवदार आदि विभिन्न प्रकार के पेड़ों से घिरा हुआ है। कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य ने इस स्थान पर तपस्या की थी और उन्हीं के नाम से यहाँ का नाम द्रोणागिरी रखा गया, जो बाद में स्थानीय बोली के अनुसार दूनागिरी कर दिया गया। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सुंदर है कि मन को बहुत शांति मिलती है। दूनागिरी मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ जो भक्त जिस भाव से आता है माता उसको उस भाव से फल देती है। पिंडी रूप में विराजमान माता वैष्णो के साथ साथ यहाँ देवों के देव महादेव भी विराजमान है। प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर दूनागिरी के इन जंगलों में कई प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी पाई जाती। तो आइए मिलते हैं यहाँ के मूल निवासी श्री हरीशलाल चौधरी जी से और जानते हैं मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यहाँ जो है माता का प्राचीन मंदिर है, ये बहुत शक्ति पीठ है दूनागिरी माता वैष्णवी और यहाँ लोग माता के चरण पादुका में हम खड़े हैं, यहाँ से जो आराधना करते हैं अपने सच्चे दिल से लोग वो पूरी हो जाती है मुराद उसकी और माता के चरणों में प्रसाद लेके माता को प्रसाद अर्पित कर मतलब यहीं से आराधना लगाते हैं। और ये यहाँ पर एक हनुमंगल महादेव और हनुमान जी का मंदिर है और गणेश भगवान का इसी के बगल में गणेश भगवान जी का भी मंदिर है। यहाँ पे मैंने सुना जैसे माता को जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं जैसे नारियल वगैरह वो यहाँ पे तोड़ा नहीं जाता है, तो ना यहाँ वैष्णवी माँ है। हाँ वैष्णवी है, यहाँ साबूत पूजा जटा की पूजा होती है, जाता की पूजा वैसे ही चढ़ा के उसको, हाँ उसको प्रसाद रूप में वापिस दिया जाता है। और मंदिर के इतिहास के बारे में जैसे इसको रामायण काल से जोड़ा जाता है। जब ये सामने ना मध्य हिमालय से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके वो लंका की ओर बढ़ जा रहे थे, बीच में भरतकोट सामने आपको भरतकोट पांडुखोली के सामने, अच्छा भरतकोट पहाड़ी ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है, वहाँ भरत जी तपस्या करते थे। उन दिनों था मंत्र बल मुड़ के जहाँ मतलब प्रकट हो जाते थे, जहाँ आत्मा उनकी मतलब चली जाती वहीं प्रकट हो जाते थे लोग। आज जैसे यान चले हैं, हवाई जहाज रॉकेट चले हैं, उन दिनों था मंत्र बल। मंत्र बल से भरत जी यहाँ आते थे, मंत्र बल से अयोध्या चले जाते थे। तो उन्होंने तीर मारा भरत जी ने, जब हनुमान जी रात्रि में पर्वत वो घबरा, उन्होंने कहा ये कौन इतना विशाल, तो उन्होंने हाय राम कहा। जब तीर लगा तो पर्वत पर हाय राम, वो पर्वत का जो हिस्सा गिरा वो दूनागिरी माँ जिसमें अवतार थी वो एरिया पूरे दूनागिरी बैसी है उसमें, वही हिस्से में जो भरत जी ने तीर मार के टूटा वही हिस्से में पूरा दूनागिरी का ये एरिया। हमारा रेस्टोरेंट है, क्या क्या नाम है? जय माँ दूनागिरी रेस्टोरेंट। क्या क्या मिलता है वहाँ पर? हम परोठे भी बनाते हैं, जो डिमांड मिली हमको, दाल चावल भी बना, पहाड़ी डिश भी बनाते हैं जो मिली। पहाड़ी डिश में क्या क्या बनाते हैं? ये कभी पालक का कापा,
कभी लाई का कापा और कभी ये क्या कहते भट 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 के डुबके अच्छा भट की दाल हाँ ये बनाते। चलिए जी धन्यवाद धन्यवाद ओके जी धन्यवाद। माँ के दर्शन के बाद यहाँ के भंडार गृह में प्रसाद ग्रहण करना बहुत ही अहम माना जाता है। भंडारे गृह के पास में लाइन से लगी हुई इन दुकानों में श्रद्धालु जमकर खरीदारी करते हैं। अगर आप कभी देवभूमि उत्तराखंड में रानीखेत आए तो माता वैष्णो के दूनागिरी मंदिर जरूर आए, क्योंकि कहते हैं अगर भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं तो माँ उनकी मुराद पूरी करती है। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।